करके बैठे हैं। उनको जब इतना नहीं सुख मिल पाया तो हम लोग भी इतना कैसे आगे बढ़ेंगे, तो हमने छोड़ दिया। और इस शादी वगैरह कभी देखा ही नहीं ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जैसी मेरा तो बहुत, मैं छोटी थी, कुछ नहीं आता था, बस गुरु के साथ रहती थी, पढ़ती थी, खेलती थी, वो वही पढ़ाते थे, हम सब बच्चे एक साथ रहते थे। तो पता नहीं, महाराज जी बोले दीक्षा लेने से ये होता है ये होता है, ऐसे बताया उन्होंने। वैसे हमारा मन ऐसा परिवर्तन होता रहा कि अब नहीं, अब बिल्कुल जाना ही नहीं है, घर में फंसना ही नहीं है। फंस के भी क्या करेंगे, कुछ नहीं, शादी कर देंगे माँ बाप, फिर घर में रहना है, दूसरों के लिए ही करना है, रोटी पानी खर्चा ये सब करना है, रिश्तेदारों को मनाना है, बीमार पड़ जाओ दवाई लेने जाना, ये करना, ये सब झंझटों से छूटने के लिए मैंने ये मार्ग अपनाया। और ये कारण वैराग्य का कारण यही है कि गुरु को देखा, जैसे ही गुरु ऐसे थे कि गुरु की बात सुनकर मेरा मन ऐसा परिवर्तन हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कब क्या मेरी दीक्षा मेरी फाइनल होगी और हम दीक्षा लेने जा रहे हैं आगे।